इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली के 13 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। पीटीआई रहनुमा भड़क उठे, कहा इलेक्शन कमीशन बताए इन हलकों में कौन सा सैलाब आया है। अब आया है छुप छुप कर कार्रवाइयों से मुल्क का फायदा नहीं नुकसान हो रहा है, फौरी इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन का कौमी असेंबली के 13 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला। पीटीआई रहनुमाओं का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। फवाद चौधरी ने कहा भाग गए। मुराद सईद ने ट्वीट किया कब तक भागोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कहां तक भागोगे, असद उमर ने कहा खान की मकबूलियत के खौफ से इक्तदार के ऐवानों में लर्जा है। फारूक हबीब ने ट्वीट किया इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा होकर भाग गए, 12 जमातों के इलेक्शन से फरार इख्तियार करने की कोशिश है। जबकि उस्मान दार ने कहा मुल्क भर में इमरान खान की मकबूलियत का सैलाब कंट्रोल से बाहर होने के बाद ज़मीनी इंतखाबात मुलतवी किए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।